कुछ अच्छा खाने का मन था तो मौसी को बोले, मौसी बोली ठीक है कुछ बनाते हैं। तो देखिए सब्जी कट रहा है और कुछ हम बनाने वाले हैं, दिखाती हूँ आपको। ये हमने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ है और अब जा रहे हैं हम इसे बनाने। देखिए हम इसे थोड़ा फ्राई कर लेते हैं, हम चिकन चिल्ली बनाने वाले हैं। तो ये फ्राई होने हमने रखा है और इसे पलट रहे हैं, कुछ पक गए हैं तो इसे हम बस पलट दे रहे हैं ताकि दूसरे साइड से भी अच्छे से पक जाए। बहुत मन कर रहा था कुछ अच्छा खाने का तो मौसी को बोले, मौसी बोले ठीक है चलो बना लेते हैं। तो फिर हम बनाने लगे। अब हमारी दूसरी ट्रिप आ रही है, दूसरी बार हम डाल रहे हैं। एक बार हमारा हो गया एक टर्न, दूसरा हम डाल रहे हैं। बहुत मन था तो फिर बना लिए हम। और अब हम तैयार कर रहे हैं जो हम चिकन चिल्ली बनाने वाले हैं ना, तो उसके लिए हमने लहसुन डाल रखा है। इसको थोड़ा फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद प्याज और शिमला मिर्च, बड़ा मज़ा आता है खाने में मुझे प्याज और शिमला मिर्च। ये गया शिमला मिर्च, अब इसे थोड़ा मिक्स करते हैं हम। और हमने नमक डाल दिया थोड़ा ताकि ये जल्दी थोड़ा गल जाए इसलिए। और उसके बाद हम इसे ढक देंगे। चलिए ढक दिया मैंने। और इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स जा रहा है जो हमारे घर पे ही था। और इसमें हम सारे सॉस डालते हैं, विनेगर है और जितने भी चिल्ली सॉस, टमाटो सारे हमने डाल दिए। और इसको फिर से अच्छे से मिक्स करके और इसे एक बार फिर से ढक देंगे ताकि अच्छे से पक जाए और ये मिक्स हो जाए प्याज और शिमला मिर्च के साथ। और हमारा अरारोट था तो उसे हमने डाला, घर पे ही था तो उसे भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और डाल दिया। और जो हमने चिकन फ्राई करके देखिए रखा हुआ था, अब इसे हम डाल देते हैं, वो पक गया अच्छे से। अब इसे भी हमने डाल दिया और इसको भी मिक्स करेंगे और फिर इसको ढक देंगे ताकि ये अच्छे से और इसके अंदर थोड़ी सी ग्रेवी चली जाए। तो मिक्स कर दिया से अब हम जलेंगे थोड़ी देर में खाने। मुझे तो इतनी भूख लग रही थी। एक किंग ऑनियन है तो इसे भी हमने थोड़ा सा डाल दिया टेस्ट के लिए, बड़ा अच्छा इसका टेस्ट होता है। अब चलिए हम जा रहे हैं खाना खाने। देखिए रोटी और चिकन चिल्ली, बड़ा मज़ा आया खा के हमें। मैं अपने लिए निकाल रही हूँ। और ये थोड़ा सा हमने चिकन फ्राई रखा था, ये वही है। चलिए अब हम जा रहे हैं खाने, फिर मिलते हैं आपसे। बाय बाय, टाटा।